हिमाचल सरकार द्वारा हाल ही में भवनों को नियमित करने के लिए लाए गए अध्यादेशों को लेकर नगर निगम के विरोध के बाद इस लड़ाई में शिमला के भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज भी कूद पड़े हैं। भारद्वाज ने इस अध्यादेश को जल्दबाजी में लाया गया एवं बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया अध्यादेश करार दिया है और सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए हैं। इस अध्यादेश का विधानसभा सत्र में पुरजोर विरोध करने का ऐलान भी कर दिया है। नगर निगम शिमला की तरह ही शिमला के विधायक ने भी इस अध्यादेश को शिमला की जनता के हितों के खिलाफ करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार ऐसी नीति बनाए जिसमें एक साथ सभी भवन मालिकों को राहत मिल सके और जिसका मकान जैसे जहां पर बना हुआ है उसे उसी रूप में उसी जगह पर नियमित किया जाए। लेकिन ये जो अध्यादेश है इसमें कई खामियां है जिससे शिमला की जनता का भला होने वाला ही नहीं है और इन कमियों की वजह से लोग आवेदन करने से घबरा रहे हैं। सरकार इसे दूसरी बार लाई है, इस पर भी उन्हें आपत्ति है। ये जो अध्यादेश लगाया गया है इसके कानून बनने के बाद एक ही बार अवैध निर्माण नियमित हो सकेगा, दोबारा कानून में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। इससे अध्यादेश की मंशा पूरी नहीं हो रही। जिन्होंने 30% कुल एरिया का सेटबैक छोड़ा हुआ है, इसके अलावा नियमितीकरण की फीस बहुत ज्यादा रखी हुई है। 3-4 मंजिल मकान नियमित कराने के 20 से 25 लाख लगेंगे। इसका फायदा सिर्फ बिल्डर्स को होगा जिन्होंने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया हुआ है। इस अध्यादेश से सिर्फ बड़े बड़े बिल्डरों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस अध्यादेश को जल्दबाजी में लाया गया है। अच्छा होता सरकार विधानसभा में इस पर चर्चा करवाकर पास करवाती, इसलिए सरकार इसे वापस ले, अन्यथा विपक्ष इसको विधानसभा सत्र में कभी पास नहीं होने देगा। विधानसभा में इसके को लाया जाता और वहाँ चर्चा के बाद जो है वो इसे कानून बनाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन इन्होंने जो है वो संविधान का हमेशा जो है उल्लंघन करने का के आदि हैं कांग्रेस के लोग, इसलिए इन्होंने ये ऑर्डिनेंस रूट पकड़ा है, जिसका अर्थ है कि मैं जो समझता हूँ और जो मेरी जानकारी है केवल मात्र कुछ बिल्डर्स को फायदा पहुँचाने के लिए ये ऑर्डिनेंस शीघ्रता में लाया गया है। ये आम जनता के विरोध में है। जो आम बागवान या आम किसान या आम छोटे कर्मचारी ने, मजदूर ने मकान बनाए हैं उनकी रेगुलराइजेशन इसके अंतर्गत नहीं होगी। और इसमें फिर प्रावधान कर दिया गया है कि अभी आप लिख करके दो कि हमारे मकान जो है वो रेगुलराइज कर दिए जाएं, अगर कल को कोई बाई चांस किसी कारण से पीस ना देने के कारण या अन्य कारण से रेगुलराइज नहीं होते तो पानी और बिजली इनकी काट दी जाएगी, मकान जो है वो ढा दिए जाएंगे। जो आप जानबूझकर के लोगों से जो है वो पहले आपने उनको पानी बिजली दिया, अब जो है वो उसको काटने के लिए और मकान को गिराने के लिए इस प्रकार के प्रावधान कर रहे हैं, ये जनता को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए जनता के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया है और हम इसका जो है मैं शुरू से 2007 से आज तक जो है विधानसभा में बार बार उठाता रहा हूँ। सदन में आएगा ही ऑर्डिनेंस, हर एक ऑर्डिनेंस जो है वो सदन में लाना पड़ता है और तभी एक्ट बनेगा। वो ये उसको बिल के रूप में लाएंगे लेकिन हम वहाँ पर इसका विरोध करेंगे, ये मैं आज बता रहा हूँ। अगर एज इट इज आया के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।